हम समर्थ हो गए हैं, हम बलवान हो गए हैं, हम बुद्धिमान हो गए हैं, हम षड्यंत्रों को पहचानने लगे हैं। साथियों, प्रॉब्लम कहाँ है समझने की कोशिश करना। एक गुलाम होता है, एक दास होता है, उसे अंग्रेजी में स्लेव कहते हैं। मालिक उस पर हंटर बरसाता है और वो गुलाम अपनी कमर पर सारे हंटर बर्दाश्त करता जाता है तो उसको कहते हैं बड़ा अच्छा गुलाम है। मगर जमाना जब बदलता है, जिसकी कमर पर हंटर पड़ता था वो हंटर पकड़ने वाले का हाथ पकड़ लेता है, उसी दिन क्रांति का जन्म हो जाता है। अब हमने पहचान लिया, अब हमने जान लिया बाबा साहेब, आज हम आपके प्रति इतने कृतज्ञ हैं। इस बदन की सारी हड्डियों की माला आपके गलों में पहना दे तो आपका कर्ज उतर नहीं सकता। आज आपने हमें बता दिया है, मंत्री जी आए थे, बड़ा संदेश अच्छा देकर गए हैं। हम उस मंत्री जी के लिए बड़े धन्यवादी हैं। प्रोफेसर साहब मेरठ से आए हैं, कोई हापुड़ से भी जरूर आया होगा, सहारनपुर से भी आया होगा। अभी 2 अप्रैल के बाद ये दोबारा क्रांति खड़ी न कर दे। उन्होंने ऐसा दमन चक्र चला मेरे नादान बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को, जवान बच्चों को उठा उठा करके उनको पीट पीट करके जेल में बंद कर दिया, उनके ऊपर झूठे मुकदमों की अंबार लगा दिया। और साथियों, फिर क्या किया, फिर ये किया कि जब देखा कि सारे जवान बच्चे जेल में हो गए हैं तो फिर वो संपन्न व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ पकड़ के थाने में ले गए। कल बोल, वो फला आदमी तूने छुपाया था, अब वो उसे 50,000 देकर छूट रहा है, उसे 40,000 देकर छूट रहा है, उसे 1,00,000 देकर छूट रहा है। ये क्या है, ये आर्थिक डकैती है हमारे साधनों के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं, अगर इस दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार होती तो दिल्ली में भी हमारे बच्चों के साथ वही दमन होता। मगर धन्य है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, मगर धन्य है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये संविधान, जिनके कारण इस दिल्ली में एक जनतांत्रिक प्रतिष्ठा से परिवर्तन हुआ और वो सड़ा हुआ कमल का फूल या खिल नहीं पाया।